बात जब भव्य फिल्मों की आती है तो कहानी सैकड़ों साल पीछे जाती है या फिर आगे। निर्देशक एसएस राजमौली की फिल्म बाहुबली द बिगनिंग अतीत में ले जाती है। किस दौर की कहानी है यह बताया नहीं गया है, लेकिन तीर कमान से लड़ते योद्धाओं के जरिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक नया किरदार बाहुबली गढ़ा है, जय महेश्वरे, जिसमें सैकड़ों हाथियों जितनी शक्ति है। कहानी रामायण और महाभारत से प्रेरित है। फिल्म में आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, और यह समस्या इस तरह की फिल्मों के साथ अक्सर होती है। भव्यता पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन कहानी में नयापन नहीं होता। फिल्म का पहला हिस्सा हीरो को महानायक दिखाने में खर्च किया गया है, साथ में रोमांस भी है जो जरा भी अपील नहीं करता। बाहुबली में इंटरवल के बाद ज़्यादा मज़ा आता है। एक लंबा युद्ध दिखाया गया है जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स लाजवाब हैं। एक खास और जरूरी बात यह है, यह फिल्म दो भागों में है, यानी आधी कहानी इस फिल्म में है और बची हुई फिल्म के दूसरे भाग में देखने को मिलेगी जो 2016 में रिलीज होगी। निर्देशक एसएस राजामौली ने ऐसे कई दृश्य रचे हैं जो लार्जर देन लाइफ फिल्म पसंद करने वालों को ताली बजाने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने हर कैरेक्टर के लिए खास दृश्य बनाए हैं। राजामौली की तारीफ इसलिए भी बनती है कि एक ऐसी कहानी जिसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है वे दर्शकों को बांध कर रखते हैं। चूंकि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है, इसलिए कई बार वे सुरक्षित दाव चलते भी नजर आए, जैसे कुछ गानों की जरूरत नहीं थी लेकिन उन्हें जगह दी गई। आंसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। सुदीप वाला सीन भी केवल स्टार वैल्यू बढ़ाने के लिए रखा गया है। बाहुबली की VFX टीम भी बधाई की पात्र है। हॉलीवुड फिल्मों से पार तो नहीं निकले हैं, लेकिन नजदीक जरूर पहुंच गए हैं। यह फिल्म हिंदी में डब की गई है, इसलिए संवादों का स्तर ऊंचा नहीं है। मैं ताकि एक बार और उसे अपने हाथों से मार पाऊं। ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? मैं हूं कौन? इसी तरह फिल्म के गाने अपील नहीं करते, ऐसा लगता है मानो अनुवाद किए गाने सुन रहे हों। ममता से भरी तुझे छांव मिली। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ऊंचे स्तर की है, सेट भव्य है, फाइट सीन भी उल्लेखनीय हैं। प्रभास और राणा अपने रोल के लिए एकदम फिट नजर आए। उनका डिल डोल देख लगता है कि उनकी बाजुओं में फौलादी ताकत है। प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस जोरदार है और वे हीरो की परिभाषा पर खरे उतरे। राणा का किरदार नकारात्मक है और दूसरे भाग में उन्हें शायद ज़्यादा अवसर मिलेगा। यही हाल अनुष्का शेट्टी का है। तमन्ना भाटिया खूबसूरत नजर आई और एक योद्धा के रूप में वे प्रभावित करती हैं। सत्यराज, नासिर, राम्या कृष्णन अनुभवी कलाकार हैं और उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। फिल्म कैसी है ये तो दूसरा भाग देखने पर ही तय होगा, लेकिन पहला पार्ट प्रभावित करता है और दूसरे भाग को देखने के लिए उत्सुकता को बढ़ाता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।